बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है किसान आंदोलन का 57वां दिन। आपको बता दें आज किसान आंदोलन का 57 दिन है। आज किसान संगठनों की अहम बैठक हो रही है। सिंगू बॉर्डर पर हो रही है किसान संगठनों की अहम बैठक जारी है। आपको बता दें टीकरी बॉर्डर पर भी गुरनाम सिंह चरूनी कर रहे हैं बैठक। साथ ही सरकार के लिए प्रस्ताव पर हो रही है चर्चा। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं, सरकार ने नई कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था, उसको लेकर आज सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर बैठक जारी हो रही है, चल रही है बैठक। तय समय के लिए कानून स्थगित करने का प्रस्ताव दिया था। आपको बता दें सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को दो साल के लिए कृषि कानूनों पर रोक का प्रस्ताव दिया है। इसी को लेकर के किसानों के बीच आज सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर बैठक चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आज किसानों के आंदोलन का 57वां दिन है। इसी बीच आज किसान संगठनों की अहम बैठक टीकरी बॉर्डर पर भी चल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श जुड़ चुके हैं। स्पर्श, आज की बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि आज की बैठक को हम निर्णायक बैठक भी समझ सकते हैं कि आंदोलन खत्म होने को लेकर के आज पहली बैठक है। देखिए बिल्कुल, आज बड़ी बैठक जो है अब से कुछ ही देर बाद सिंगू बॉर्डर पर लगभग 2 बजे के आसपास जो है शुरू होती हुई नजर आएगी। इस बीच टीकरी बॉर्डर पर गुरनाम सिंह चरूनी जो है पहुंचते हुए नजर आ रहे थे, उनकी बैठक जो है टीकरी बॉर्डर पर चलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर जो है आज अलग अलग तरीके से लोगों का मूड माहौल जानने के लिए जो है बैठक की जा रही है, क्योंकि कल एक बड़ा प्रस्ताव जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो है किसान संगठनों को दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो किसान कानून है उन पर जो है फिलहाल रोक लगा देते हैं कुछ समय के लिए, जिसमें 1 साल 2 साल या फिर जो किसान डिसाइड करे उसकी उस मुताबिक जो है रोक लगाई जा सकती है, और उस मसले पर एफिडेविट भी जो है सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा दिया जा सकता है, ये जो है सरकार के द्वारा प्रस्ताव दिया गया था। इस बीच सरकार ने यह भी कहा कि कमेटी का गठन कर देते हैं, तब तक कमेटी जब तक रिपोर्ट नहीं दे देती आप सब लोगों से बातचीत करके, क्योंकि उस कमेटी की अगर बात करते हैं तो कमेटी में कहा गया था कि किसान शामिल हो जाएंगे, सरकार शामिल हो जाएगी और उसके साथ साथ जो कृषि विशेषज्ञ है वो शामिल हो जाएंगे। उसके बाद जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक ये कानून जो है फिलहाल होल्ड पे रख देते हैं। इसी को मूड माहौल भांपने के लिए जो है तमाम किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में कुछ देर बाद जो है 2 बजे के आसपास सिंगू बॉर्डर पर जो है बैठक करते हुए नजर आएंगे, और उस बैठक में उस जो प्रस्ताव पर फैसला लिया जाएगा क्या सरकार का प्रस्ताव मान्य होता है या फिर जो पहले दिन से मांग है कि 3 कृषि कानून रद्द कर दिए जाए उस पर जो है किसान अडिग रहते हुए नजर आते हैं, ये काफी जो है महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। इस बीच 26 जनवरी को लेकर भी जो है अलग साइड बाई साइड जो बैठके वो चलती हुई नजर आ रही हैं, तो ये कुछ जो है बैठके हैं आज जो होती हुई नजर आएंगी। जी, इस पर आप लगातार डे वन से दोनों तरफ से ही कवरेज कर रहे हैं, दोनों तरफ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगर आज पेच फंसता हुआ नजर आता है इस प्रस्ताव में तो वो कहां पर होगा? देखिए, पेच जो फंसेगा या फिर नहीं फंसेगा वो तो थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि बात हम करें तो जो किसान संगठन है वो पहले दिन से अपनी ये मांगे कर रहे थे कि 3 कृषि कानून जो है रद्द हो जाने चाहिए। सिंगू बॉर्डर में आपको एक बार तस्वीरें दिखाता हूँ सिंगू बॉर्डर की। सिंगू बॉर्डर पर काफ़ी संख्या में लोग आए हुए, ना केवल सिंगू बॉर्डर की बात करें, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, और यहाँ पे जो लोग आए हुए वो ये उम्मीद लगा के आए हुए थे कि 3 कृषि कानून जो है पूरी तरीके से रद्द होने चाहिए, उसके बाद ही जो है हम अपने जो ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, उससे जो है उठते हुए कहीं ना कहीं जो है नजर आएंगे। इन लोगों को किस तरीके से समझाया जा सकता है, हालांकि ये तमाम जो किसान यहाँ पर आए हुए हैं प्रदर्शन कर रहे हैं वो ये जरूर कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे जो बड़े किसान आगू बैठक करके निर्णय लेंगे, चाहे उसमें जो किसान कानून जो प्रस्ताव दिया गया कि 2-3 साल के लिए स्थगित कर दिया जाए उस पर फैसला होता है, या फिर 3 कृषि कानून जो है रद्द होने चाहिए उस पर फैसला होता है, वो जो है मान्य जो है यहाँ पर किया जाएगा। तो ये पेच जो है कहीं ना कहीं फंसेगा, क्योंकि ये लोग भी जवाब दे ही चाहेंगे कि बड़े किसान आगुओं पर जब इन्होंने भरोसा किया है कि 3 कृषि कानून रद्द होने चाहिए, पिछले 2 महीनों से भरोसा करते आ रहे हैं, तो कहीं किसी चीज़ में कमी नहीं रह जानी चाहिए कि आज जो है ये कह दिया जाए कि स्थगित हो रहे, लेकिन कल फिर से जो है स्थगित ना हो। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं।
गैदरिंग को कुछ भी करेंगे, दिल्ली के अंदर आके आप परेड नहीं कर सकते। और हमने स्पष्ट कर दिया है कि देश भर से जो किसान आ रहे हैं वो 26 जनवरी को गणतंत्र की इज्जत मनाने को, तिरंगे की शान बढ़ाने को अपनी राष्ट्रीय राजधानी के अंदर आकर ही परेड करेंगे, ये हमने स्पष्ट कर दिया है। टकराव की स्थिति नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी और हम दिल्ली के अंदर आके अपना गणतंत्र दिवस की इज्जत बढ़ाने के लिए ये जो परेड करना चाहते हैं ये कर पाएंगे, मुझे विश्वास है। हाँ, मीटिंग तो करनी पड़ेगी सर, पुलिस सीधे तौर पर आउटर रिंग रोड। जी स्पर्श, तो अभी आपने देखा कि सुना आपने कि योगेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, तो इसको लेकर के ये साफ तो हो रहा है कि गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर के इन लोगों ने क्लियर कर दिया है कि गणतंत्र दिवस की परेड तो होगी ही। देखिए बिल्कुल, तमाम किसान संगठनों का ये कहना है कि गणतंत्र दिवस परेड जो है वो करके रहेंगे, चाहे उसमें किसी तरीके के अवरोध उत्पन्न हो या फिर शांतिपूर्वक प्रदर्शन जो है करने की जो कोशिश है वो। तो जनता की डिमांड है, कोरोना की आड़ लेकर के जो तीनों ऑर्डिनेंस बनाए हैं भाई, वो क्यों, जब जनता ने डिमांड नहीं की, आम किसान ने डिमांड नहीं की, तो वो क्यों लाए? चलो फिर भी भगवान इनको सद्बुद्धि दे, अगर ये रिपील करने की बात कर रहे हैं भाई, इसमें कह रहे कुछ दिन के लिए, कुछ यानी कि कुछ लगा दिया, जैसे कहते हैं ना हिंदी में, लेकिन किंतु वट परंतु, सरकार ऐसे ना करते हुए हमारे तो कैसे, वैसे हमारे जितने भी संगठन किसान संगठन के आगू है वो हमसे बहुत ज़्यादा बुद्धिजीव है, समझदार है, जो भी वो डिसीजन लेंगे एक अच्छा डिसीजन लेंगे और सर्वोपरि डिसीजन लेंगे। आज उनकी मीटिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन सरकार जो लेकिन किंतु वट परंतु की बात कर रही है ये कृपा करके छोड़ दे और सही मायने में जो MSP है उसको गारंटी के कानून में तब्दील करे और तीनों काले कानूनों को रिपील करे। हमारी आपके माध्यम से यही है। और एक और आपसे एक चर्चा करना चाहता हूँ जी, जैसे हमारी मीडिया पे आज गोदी मीडिया कहा जा रहा है, ये गोदी मीडिया का पर्सन क्यों आया, सवाल है मेरा, ये पूछता है भारत। स्पर्श में चाहूंगी कि आप और लोगों से भी उनकी प्रतिक्रिया लें, वो हम जो है दिखाने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस पूरे मसले को किस तरीके से देख रहे हैं। एक नया प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है, सरकार कह रही है कि जब तक आप कहें तब तक इसको होल्ड पे रख देते हैं, उस बीच कमेटी बना देते हैं, आप लोग अपनी बात रखिए, संशोधन करा लीजिए। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते जी। सरकार ने हमारे 100 से ऊपर भाइयों की शहादतें करा के आज अपनी गलती मान रहे हैं, तो ये सरकार की बड़ी नीचे की कह लो भी, हाँ इसे नीचता बड़ी कोई नहीं होगी। हमारे 100 भाई शहीद हो गए, और यही चीज़ अगर इन्होंने आज 3 महीने पहले मान ली होती तो वो क्या था, हमें अभी भी एक इसमें खंसा है, क्योंकि ये जो कमेटी की बात कही गई थी ये तब भी कही गई थी, दिवाली हमारे 13 नवंबर की थी, तो उसके बाद बयान आया था सरकार का भी, हम किसान जत्थेबंदियों की कमेटी बना देते हैं पर हम इसमें जो भी प्रस्ताव देंगे वो कर देंगे। इसमें भी कोई ना कोई इनकी अभी बीच में कोई ना कोई चाल होगी, हमारे को तो रिव्यू चाहिए, इसमें बिल्कुल कैंसिल चाहिए। मैं किसान जत्थेबंदियों को भी कहता हूँ, वो भी यहाँ राजनीति कर रही है, आपको सही बताऊँ, क्योंकि मुझे 40 दिन हो गए, मैं सुबह ही हॉस्पिटल से आया हूँ, ये देख लीजिए जी, मैं मरण वर्त पे बैठा हूँ, आज सुबह आया हूँ। ये 100 भाई मर गए, उनकी भी कोई इन्होंने शहादत का नहीं सोचा अभी तक, कुछ नहीं देखा, मेरे पास भी कोई नहीं आया,
अगर हम चाहते हैं अब सरकार ने ये दिया तो सरकार के साथ सीधा जाके एक ही बात कहें, कैंसिल कर रहे हो ठीक है, नहीं कर रहे तो हम आगे मीटिंग में नहीं आएंगे। और लोगों से बात कर लेते हैं, आप क्या सोच रहे हैं जो प्रस्ताव आया सरकार की तरफ से कल की, फिलहाल होल्ड कर देते हैं, कमेटी बना देते हैं जब तक आप चाहें? वो जेड़े कहते वह खास साहब जेड़े कहते ना कानून अं मतलब अगे पील पा देने, मतलब जी किसी भी तरह का तरीका सोचते हैं भी अगे तरीक पा दीए, डेढ़ साल की पा दीए, दो साल पा दीए, वो तो जिमें कि बंदा सस्पेंड कर दीदा तो बाल किन्ने फिर हो जाता बाल, यहोजी नीति सोचती भी लारे लाते हैं सस्पेंड बंदा तो जोड़ा भी कित बाल हो जाता, सरकार की तो जिते ही हों, यह तरीका भी किसानों भी काम मंजूर नहीं गा, अं तो रद्द करवाने ने, तो बाबे नानक की कृपा हुई है अज संगत कट्ठी हुई है, तो हमने अज संगत जी कट्ठी हुई जे अज अं जाने तो साडा मसला नहीं होल हुंदा, तो साडी कमजोरी है, हल करा के जाना, रद्द करा के जाना, नहीं तो नहीं जाना, 26 तरीक तो इतने आए हैं तो इतें ही हाँ, जाने बारे घर नहीं सोचा, ये तो वड्डा कोई भी काम जरूरी नहीं, ये वड्डा काम साडा जरूरी यो ही है, किसानों का जिहड़ा बिल रद्द करवाने ने पुलिस ने मना कर दिया है इन्हें गणतंत्र दिवस की परेड के लिए। बिल्कुल, एक चीज और कि आज जो गणतंत्र दिवस की परेड हो रही थी, आपकी जो मीटिंग हो रही थी वो भी बेनतीजा रही है, तो उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? कल की दे दी उन्हें, कल की दे दी, जो धनखड़ है दुष्यंत है कई ऐसे ऐसे एमएलए एमपी इस्तीफा दे दें, हिम्मत क्या सरकार की, अड़ोड़ा में रख दिया हमने। आप बताइए क्या लग रहा है कि आज जो प्रस्ताव लाया सरकार ने उस पर आप क्या सोच रहे हैं? मेरी बात सुनो, मैं आज आंदोलन से थोड़ा निकल के बात बताता हूं आपको, बहुत कीमती बात बताता हूं, आपको समझ भी आएगी। मेरे को एक बात बताएं, किसानों का ये तीन जो बिल है सरकार रद्द कर दे, हम घर चले जाएं, क्या सरकार के बाद उस सरकार के पास उसके बाद पैसा कमाने की क्या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है क्या? क्या फार्मिंग सेक्टर ही सरकार को नजर आ रहा है कि यहाँ डालें? अब देखें, खिलौना इंडस्ट्री जितना टॉय बाजार सारा चाइना से माल आता है हमारा, अब ध्यान से सुनिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, ऑटोमोबाइल्स में ज्यादातर स्टील लगता है, स्टील वगैरह सारा हम चाइना से इंपोर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी और स्टील भी। अब देखो हमारे देश में हो क्या रहा है, कच्चा स्टील हम बनाते हैं, हमारे पास बहुत उत्पाद है कच्चे स्टील का, बस उसमें एक जिंक मिला देंगे तो स्टील बेटर हो जाता है, हमारे पास जिंक की कोई कमी नहीं, हमारे पास स्टील की कोई कमी नहीं, उसके बाद भी हम कच्चा स्टील भेजते हैं चाइना को, वो वहां पे जिंक मिला के स्टील को बेटर करके दोगुने रेटों पर हमें बेचता है, कितने अरबों डॉलर का हमें नुकसान होता है, डॉलर ही देने पड़ते हैं, पैसे तो नहीं लेता ना चाइना, कितना हमारा पैसा बाहर जाता है, अगर वो काम अपने देश में कर लेंगे तो हमारा कितना पैसा बचेगा क्या? वो तो बात है, लेकिन जो कल प्रस्ताव आया है उसके साथ साथ 26 जनवरी की बात की जा रही है कि ट्रैक्टर ट्रॉली परेड होगी, आपसे कुछ देर पहले जो बैठक भी हुई है किस पुलिस के साथ में वो भी बेनतीजा रही है, तो 26 जनवरी की परेड भी उसी तरीके से होती हुई नजर आएगी? देखिए अब आप देखिए ये कोर्ट चले गए अपने सिर से उतारने के लिए, हालांकि पुलिस के पास लॉ है कि अपनी मर्जी से जो एक्शन लेना चाहे वो ले सकते हैं, इजाजत देनी नहीं देनी उनके पास हक अधिकार है, फिर वो कोर्ट क्या करने गए थे? कोर्ट के ऊपर डालने के लिए, कोर्ट भी उससे सियाणी है, कोर्ट चाहती तो कह देती कि आप इजाजत दे दीजिए, फिर फंसती दिल्ली पुलिस, अब बोलो अब तो कोर्ट ने कह दिया, फिर इनकी ये है कि हमें दिल्ली में इन्होंने 26 को जाने नहीं देना, इन्होंने रोकना है, अगर कोर्ट हमारा साथ देके कह देता कि आप इनको इजाजत दे दो मैं दे रहा हूं, फिर पुलिस फंस जाती, फिर हम पुलिस को पूछते, अब तो कोर्ट ने इजाजत दे दी, इन्होंने तब भी नहीं जाने देना था, फिर हम इनको बताते कि संविधान की धज्जियां हम उड़ा रहे हैं कि आप उड़ा रहे हो, संविधान की धज्जियां प्रतिक्रिया लें, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए बड़ा प्रश्न है। बाबूजी आप क्या देख रहे हैं, जो बड़ा प्रश्न है कि फिलहाल होल्ड पे रख देते हैं, कमेटी बना देते हैं, तीन कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर सरकार जो है अभी मना कर रही है, आप किसको किस तरीके से देख रहे हैं? मेरी राय ये है कि जो ये समिति बना दो, बार बार सरकार हमें उलझा रही है, बयान पलट रही है, इसने किसी चलाकी में जो साहूकार लोग हैं, बड़े बड़े घराने पूंजीपति, उन्हीं के चुंगल में ये सरकार फंसी हुई है, उन्हीं के आदमी हैं, अध्यक्ष भी पार्लियामेंट का उन्हीं का है, और सभी ये मिलजुल कर पैसा खाने की हमारी जमीन कितने
सालों से हमारे पूर्वजों ने इस जमीन को सुरक्षित रखा और उसको रुड़ा और जो जंगल वगैरह थे तोड़ ताड़ कर अच्छी जमीन बनाई, फिर नहरी पानी का इंतजाम करवाया। लेकिन ये उस नहरी जमीन में बिल्डिंगें बनाकर धुआं उठाकर प्रदूषण फैलाना, इसका मजा लेना। कृषि कानून रद्द करने आप क्या सोच रहे हैं, रद्द होने चाहिए या कानून, या जो सरकार कहे की होल्ड पे रख देते हैं, कमेटी बना देते हैं? नहीं, रद्द होने चाहिए जी, होल्ड पे रखते हैं। आपको क्या सोच रहे हैं रद्द होने? हम ये सोचते हैं कि कानून रद्द होने चाहिए। आपको क्या लगता है? जब 100% रद्द होने चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर आप आए हुए हैं, रद्द होने चाहिए या फिर कानून होल्ड पर रखते हैं? गुजरात से हम ऐसा सोचते हैं कि कानून वापस लिया जाए। बिल्कुल, देखिए सुयश, सब लोग जो है यही कह रहे हैं कि फिलहाल कानून जो है रद्द होने चाहिए, लेकिन बैठक 2 बजे के आसपास होगी, उसमें क्या निर्णय लिया जाता है कल सरकार को बताया जाएगा।